उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल के गांव देवली में जापान की कंपनी डाइकी एक्सिस का उद्घाटन किया। उन्होंने कंपनी के उद्घाटन के बाद जल प्रबंधन के लिए बनाए जा रहे उत्पादों को भी लेकर जानकारी ली। इस खास मौके पर विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दुधोला और डाइकी एक्सिस कंपनी के बीच छात्रों के स्किल डेवलपमेंट को लेकर MOU भी साइन किया गया। इस मौके पर CM ने कहा कि नई नई तकनीक के माध्यम से हम वाटर ट्रीटमेंट करके नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि माइक्रो इरिगेशन के तहत खेती करने वाले किसानों को सरकार की ओर से 85% तक सब्सिडी दी जा रही है। तालाबों को साफ करने के लिए हरियाणा ने एक योजना बनाई, हमारी पॉन्ड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा ने बनाई है, तो पॉन्ड अथॉरिटी के माध्यम से जितने तालाब हैं, लगभग 18,000 तालाब है हरियाणा में, उसमें से 8,000 तालाब ऐसे हैं जो प्रदूषित हैं, ओवरफ्लो है, पोल्यूटेड है। सबसे पहले चरण में उनको साफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी इस साल में जो हमारा अमृत महोत्सव ये चल रहा है, इसमें अमृत सरोवर हर जिले में 75 पौंड साफ किए जाएं और देश में 50,000 पौंड को साफ करके उस पानी को साफ करने का एक आह्वान यानी हमको दिया है, जिसके अंतर्गत 1700 तालाब, हालांकि उस 75 से भी ज्यादा हम पार कर गए हैं पौंड अथॉरिटी के माध्यम से, 1700 तालाब चिन्हित किए हैं, लगभग 600 तालाब साफ किए जा चुके हैं, बाकी काम चल रहा है। अभी 15 अगस्त 2023 तक वो सब 1100 बचे हुए तालाब भी हम अपना टारगेट जो है 15 अगस्त 2023 तक का 1700 तालाबों का